पांडे का फादर, ग्रैंड फादर। मैं बनारस से आया हूँ, यहाँ आर्टेमिस में। मैं बनारस में कई कई जगह गया तो मुझे बताया गया कि इनको ब्रेन का ट्यूमर है और कैंसर है। और मैं इतना ट्यूमराइज हो गया कि परेशान होकर मैं दिल्ली आया भाग के। मैं मेदांता में भी गया, वहाँ इलाज जो है हमको ठीक से नहीं बताया गया, वहाँ भी घड़वा दिए लोग। वहाँ से परेशान होकर 3-4 लोग हमारे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि आप चले जाइए डॉक्टर आदित्य गुप्ता, आर्टेमिस में है, उनसे मिलिए। मैंने डॉक्टर आदित्य गुप्ता से मिला, उन्होंने मुझे सजेशन दिया फिल्म देख के, जो MRI का रिपोर्ट था, कहे कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल ट्यूमर है, मैं इसको निकाल दूंगा, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने रिसेंटली इलाज किया मास्टर रुद्र पांडे का। ये 12 साल के थे और ये हमारे पास आए कंप्लेंट लेके कि इनके सिर में दर्द हो रहा है और चलने में बैलेंस खराब हो रहा है। तो ये इनकी परेशानी शुरू हुई तकरीबन 3-4 महीने पहले, और इन्होंने वाराणसी में, जहाँ पे ये बिलोंग करते हैं, इन्होंने वहाँ पे इनका टेस्ट वगैरह हुआ और पता चला कि दिमाग के पीछे वाले हिस्से में, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, जिसको हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, और या जो दिमाग की मेन नस होती है ब्रेन स्टेम, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर इनके दिमाग में मौजूद था। अब इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किसी बच्चे के दिमाग में ऐसी बीमारी निकले तो पेरेंट्स, जो माँ बाप हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या रहती है। इसके ऊपर इस पूरे लॉकडाउन को पार करते हुए ये हमारे पास पहुंचे, और इनको अलग अलग जगह अलग अलग तरह से परमिशन पुलिस से लेके हमारे पास पहुंचना पड़ा। और जब हमारे पास पहुंचे तो हमने इनको ऑपरेशन के बारे में सारी क्लियर इन्फॉर्मेशन दी, और हमने इनको एक्सप्लेन किया कि भी जो करंट हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें हम प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि 99% सेफ्टी के साथ हम ये ऑपरेशन कर पाएंगे। ऑपरेशन के बाद बच्चे ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद बच्चा पूरे होश में आ गया था और हम पूरा की पूरा ट्यूमर निकाल पाए। बच्चे को ऑपरेशन की वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बच्चे ने ऑपरेशन के अगले दिन से ही चलना फिरना शुरू कर दिया, और सबसे खुशी की बात यह रही कि जहां वो ऑपरेशन से पहले एक शंका थी दिमाग में कि शायद ये कैंसर वाला ट्यूमर निकलेगा, ऑपरेशन के बाद बायोप्सी रिपोर्ट जब आई तो उसमें क्लियर हो गया कि ये टोटली बिना कैंसर वाला ट्यूमर था। और क्योंकि वो पूरी तरह से हम निकाल पाए तो इस बच्चे को आगे किसी भी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी प्रकार की रेडियोथेरेपी, ना किसी प्रकार की कीमोथेरेपी की। तो बेसिकली हमें यह समझना है कि आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी और सर्जिकल एक्सपर्टीज अवेलेबल है, इसमें इन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ट्यूमर्स को भी हम 99% सेफ्टी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम ऑपरेशन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इलाज कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया, 50% ब्रेन ट्यूमर बिना कैंसर वाले होते हैं, जिनका अगर अच्छे से इलाज हो जाए तो पेशेंट की लॉन्ग टर्म लाइफ हम में से किसी की तरह भी रह सकती है। मैं फिर जांच कराया, MRI कराया, तो एकदम रिपोर्ट सब एकदम नॉर्मल थे, ट्यूमर पूरा गायब था। इस समय एकदम बिल्कुल अच्छा है मेरा बच्चा। डॉक्टर आदित्य गुप्ता को मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने जो हमको हौसला दिया, ये हौसला जो है और कोई डॉक्टर नहीं दे पाए। इससे मैं बहुत परेशान था, मैं डिप्रेशन में था, लेकिन मैं यहाँ पुनः आया इस 6 महीने बाद, तो भी जो है उन्होंने कहा कि ये नहीं, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है, अब एकदम आप चाहिए, अब 1 साल बाद आइएगा आप।